यहाँ ये पे हो जान की दीदी किस चीज की तैयारी कर रहे ये हो? पतूरा बनता है ऐसे, हाँ ये पतूरा बनता है, ये वो है क्या बोलते हैं इसे, झंगरा, झंगरा। आज सब्जी बनती है, आज बनाएंगे पत्यूर पत्यूर और झंगरा की सब्जी। जर्क का पेड़ है वो वहाँ पर, हाँ जर्क का पेड़ है। स्पेशल आज मुंशारी का टेट, हाँ अपना लोकल फूड खाएंगे आज हम। और ये है बुआ जी की, पूरा बुआ जी लोगों का ये पूरा आलू की खेती, और इसको बोलते हैं जर्क। इसके पत्तों की सब्जी बहुत टेस्टी बनती है और पकौड़ी भी टेस्टी बनती है, और इसके फूल देखिए कितने सुंदर फूल है, इसको बोलते हैं जर्क। और यहाँ पे है ये बुआ जी लोग का ये पुदीना, घर का सुंदर सा ये गुलाब। और यहाँ पे हमारी गरिमा धो रही है बर्तन नाश्ते के। अब यहाँ पे तैयारी हो गई है पतूर बनाने की, शाम का नाश्ता वो बनाया पतूर, वो बनाया यहाँ पे, हाँ यहाँ पे बन गया है। ये स्टाइल बड़ा अच्छा है, ये इसमें ना पूरा बराबर लगता है, खाने में भी टेस्टी अच्छा। हाँ क्योंकि वो उसमें पत्ते कम लगता, कभी नहीं कश्मीर में नहीं लगता ना वो। हाँ हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल ईशा ऑडियो में। आप सभी लोगों को प्रणाम और छोटे मोटे आशीर्वाद। आई होप आप लोग भी सब बढ़िया होंगे, हम लोग भी सब बढ़िया है। और आज हम लोग जा रहे हैं सब लोग मुंशारी इको पार्क, हम लोग का और हम तीनों का रास्ता है शांतिपुर, हम सबका हमारा फर्स्ट टाइम है ये बार। हम जी ने वो बोट लगी है ना वहाँ छोटी सी, मंदिर ये है सुंदर मुंशारी, ये है भालू फल्टा। प्रकृति का आनंद लेते हुए अब ये है गायत्री मंदिर मुंशारी का, गायत्री ओया बनाई थी मैंने रोटी, ये गायत्री मंदिर है। और आप बोले मैं बैठो कह रहा ना, अब 4 बजे तक तो वहां से सवारे और इसमें वहां से अच्छा फोन आ गया। ये है इको पार्क का कॉटेज, जहाँ से हम लोग ऊपर वाले रास्ते से हम लोग ये है इको हट है, ये वो मैं कहाँ गया चला गया, इसका तो काफी है कॉटेज में बैठे हैं, क्या ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बाजा बैठक चला देगा, जो चैनल वो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए जसोदा मर्तोलिया में। अभी हम लोग आए हैं इको पार्क में, और यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे वुडन कॉटेज बने हुए हैं, आप लोग यहाँ पे स्टे भी कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। और देखिए पूरा चारों तरफ है डन फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के बीच में है इको पार्क। अगर आपको शहरों की गर्मी और पोल्यूशन से आप हाँ छुटकारा चाहते हैं, थोड़ा सा अपना पीसफुल टाइम बिताना चाहते हैं, तो आप लोग इको पार्क आइए मुंशारी में, बहुत ही सुंदर पीसफुल, जहाँ आपको न कोई पोल्यूशन मिलेगा न कोई शोर शराबा, बस शांति ही शांति, बहुत ही सुंदर जगह है। नाचा खा ली बस मुझे की चाय लगा फोटो खींच दे बुआ जी के वाले। दो कॉटेज यहाँ बने हुए हैं, दो कॉटेज ऊपर है, दो कॉटेज ओ ऊपर
और दो कॉटेज हैं। ये है सिटिंग एरिया, सुंदर सुंदर से फ्लावर्स। सुंदर सा है ये सिटिंग एरिया, डाइनिंग एरिया पूरा वुडन का है। ये सारा यही का ये इको पार्क के ही फोटोज से जब बर्फ पड़ी थी। ये है पंचायचूली, जब यहाँ पे भैया ने टूलिप फ्लावर्स को वो किया था, डेवलप किया था यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए लकड़ी में कितनी अच्छी पेंटिंग कर रखी है, इतनी सुंदर सुंदर। ये मुनाल, ये हमारे जोहार की ड्रेस में, ये केतली में जो ये ऐपन देख रहे हैं आप, इतने सुंदर सुंदर से ये ऐपन देख रहे हैं, वो मेरे भैया ब्रजेश धर्म शक्तु ने खुद बना रखा है, आप देख सकते हैं। केतली से पानी पीते हुए गर्म पानी, सुंदर सा ऐपन वर्क केतली में। वो नेक्स्ट मार्क कौन से प्रिया के निकले वो मंत्र हो अगर बाल आता है बना जाला लो आना बुला ऐसे करती हूं मुड़ के डल बोल रहा चल वीडियो तो करवा। यहाँ पे टेंट कॉलोनी भी बनी हुई है, छोटा सा पुलिया। यहाँ पे है टेंट कॉलोनी, अगर आप टेंट में भी रहना चाहते हैं तो है यहाँ टेंट की व्यवस्था भी है। इधर भी है टेंट। यहाँ पे ये बर्मा ब्रिज बना रखा है, यहाँ पे एडवेंचर के भी काफी एक्टिविटीज होती है। यहाँ पे इस पूरे एरिया में देखिए एक्टिविटीज बनता है, निगाल बास्केट जो बनता है निगाल, ये एक्टिविटीज है। यहाँ से इसमें चढ़ने का है, यहाँ से चढ़ेंगे ऊपर से फिर नीचे गिराएंगे उसको। और यहाँ पे ब्रिज बना ऊपर बीच में, डर लग रहा है। कुछ आइटम न था उसके अंदर? हाँ पहले तो हुक्का सुक्का पड़ा रखा था, ले मुझे बोला उन्हें यार नीचे करना नीचे कर। आईफोन है ना मेरा, एक खड़े भी बना दिया। इस हट का मैंने वीडियोस में काफी देखा है, आज मैंने देख लिया। ये सुंदर व्यू है इको पार्क मुंशारी, यहाँ पे काफी सारे एक्टिविटीज हैं, एडवेंचर एक्टिविटीज। मरतोली से थके हारे आए, अब यहाँ पे अपना रिफ्रेश कर रहे हैं अपने मूड को, इको पार्क में अपनी थकान को मिटा रहे अलग अलग मुद्राएं और पोज लेके वहाँ तो पोज ले नहीं सकते थे, बस डंडा था। और यहाँ पे लिखा एडवेंचर, अरे वाह क्या हुआ। ये है इको पार्क का टाइगर, टाइगर ये है हमारा इको पार्क। टच कर लो खुशी करेगा टाइगर टाइगर, जल्दी का दादी लो नीचे पहुंच गए यहाँ भी ले। हाँ इको पार्क एडवेंचर। हम लोग इको पार्क के ऊपर वाले गेट से आए थे, यहाँ से सारा डायरेक्शन दिया हुआ है। इको कॉटेज पार्क एरिया रेस्टोरेंट लाइब्रेरी कैंप्स।
पीछे का ब्रिज आ रहा है। यहाँ पे भी बना है बच्चों की एक्टिविटीज। इको पार्क में आप आएंगे तो काफी एडवेंचर एक्टिविटीज है और आज काफी टूरिस्ट भी आए हैं। सारे कॉटेज यहाँ फुल है। अब हम लोग नीचे वाले गेट पे आ चुके हैं। यहाँ पे एक छोटा सा हट है, उसमें बनाया है ये मधुमक्खी। ये है मुंशारी नेचर एजुकेशन इको पार्क सेंटर। ये है फॉरेस्ट का और यहाँ से है एंट्री गेट। ये है नीचे का गेट। और अगर आप इको पार्क आना चाहते हैं तो इसकी फी है 50 रुपीज। यहाँ पे मुझे मेरे भैया मिल गए हैं, इको पार्क के इंचार्ज हमारे बड़े भैया है। आप बताइए यहाँ के बारे में कुछ। बस सभी अच्छा है कि टूरिस्ट आ रहे हैं यहाँ पे। मुंशहरी एक अलग से डेस्टिनेशन बन चुका है। और लगभग जो यहाँ पे लीन पीरियड होते थे वो भी रिकवर हो गया इस बार। तो आदि कैलाश के साथ साथ काफी लोग यहाँ पे देखने के लिए आ रहे हैं। और बेस्ट है इस साल। अभी देखो जब तक बारिश नहीं होती 15 अगस्त के बाद फिर थोड़ा सा प्रेडिक्शन दिखा रहा है, तो उस समय से थोड़ा सा कम हो जाएगा। लेकिन बरसात का भी अपना है कि जो मानसून के जो टूरिस्ट होते हैं वो मानसून में ही आते हैं उसकी ब्यूटीनेस देखने के लिए। थैंक यू।